हमें बहुत दिक्कतें आ रही है, जैसे हम चौथे यूनिवर्सिटी में बढ़ते तो इस टाइम हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं, एग्जाम्स में हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन कुछ भी हमारा जो, क्योंकि यूनिवर्सिटी किताबें तो प्रोवाइड कराती नहीं, तो हम ऑनलाइन जो हमारे कोई भी हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे। और हमें दुकान पर सामान लेने आया था, सामान जो जो मैंने इनको ऑनलाइन पेमेंट की तो ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पाई। और हम दूर में पीजी में रहते हैं, तो पीजी में हमें कैश रख नहीं देते कि पेमेंट्स ऑनलाइन कर देते हैं, तो हमें 2 दिन बहुत प्रॉब्लम हो रही है। 2 दिन से कुछ यहाँ पर इंटरनेट सेवाएँ बंद है, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इसकी वजह से। नेट के कारण बस ये है जी कि जो ऑनलाइन पेमेंट होती है 10-20 रुपये वाली कोई चीज़ बच्चा लेता है, कोई भी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जेब में पैसे रखते नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पा रही, उसके बाद जैसे वापस जाते हैं, छोटी छोटी दुकानदारी है उसी पर असर पड़ रहा है, ये है जी मेन बात। तो लंबा चल सकता है किसानों आगे भी नेट बंद रह सकता है, नुकसान होगा? देखो नुकसान तो हमें तो है ही है जी, नुकसान नेट के बंद होने से नुकसान तो है ही है। सरकार को बातचीत करो, सरकार को देखो सुननी चाहिए सभी की, क्योंकि प्रजा है, प्रजा की सुननी चाहिए सरकार की। समस्या नेट से प्रॉब्लम आ रही है, सरकार ने ऑनलाइन पेमेंट की हुई है सारी, तो अब पेमेंट हम कहाँ से करेंगे? नेट बंद करने का क्या मतलब? किसान आंदोलन कब तक चलेगा ये थोड़ी ना पता है। 3 दिन हो गए प्रॉब्लम हो रही है, आगे भी कब तक बढ़ेगा ये सरकार जिम्मेदार करेगी ना। तो क्या क्या दिक्कत आ रही है जैसे नेट की? पेमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, पेमेंट आनी है, जो पेमेंट करनी है ट्रांजेक्शन सारी रुकी पड़ी है, तो कहाँ से करेंगे? ऑनलाइन पेमेंट जो कर रखी हैं तो कैसे होगा उसका? नेट बंद करने से समस्या थोड़ी ना हल हो जाती है, तो सरकार को सोचना चाहिए ना। तो क्या किसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए? सरकार को बातचीत करनी चाहिए किसानों के साथ, और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।